chào mọi người đã đến với chi hai. Đến với chi hai, chúng tôi sẽ giúp các bạn thoải mái và giải tỏa được những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nào giờ thì chúng ta cùng xem video nhé. Và các bạn chi tiếp hơn ghép vào cắt được. Giờ thì chúng ta cùng xem video nhé. Và các bạn đừng quên nhớ like, share và subscribe cho chi hai nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. The exfoliation facial treatment है जिसमें हम एक surgical blade से जो होती है ब्लेड नंबर 14 उससे हमारी स्किन की टॉप लेयर को स्क्रेप ऑफ कर देते हैं, सर रिमूव कर देते हैं। ये आप अगर डर्मेट के पास करते हो तो इसकी फीस तकरीबन एक बार की कुछ 2-3 हज़ार रुपए के अराउंड होती है नॉर्मल लोकल डर्मेट के यहाँ पे। और आपको पता है इसको करने के लिए जो ब्लेड यूज की जाती है वो सिर्फ 10 रुपए की आती है। सिर्फ वो प्रोफेशनल्स होते हैं इस वजह से इतना ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अगर आप घर पे करोगे तो सोचो आप कितने पैसे बचा सकते हो। अब डर्मा प्लेनिंग से क्या आपके बाल रिमूव होते हैं? ऑब्वियसली जब हम एक ब्लेड से हमारे स्किन को ऐसे रिमूव कर रहे हैं तो हमारे स्किन के ऊपर होते हैं हमारे बाल, जिससे आपके डेड स्किन सेल्स के साथ साथ आपके बाल भी रिमूव होने लगते हैं। तो डर्मा प्लेनिंग एक्चुअली हेयर रिमूवल के लिए नहीं है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि उसके आपके डेड स्किन सेल्स के साथ साथ आपके हेयर भी रिमूव हो जाते हैं। तो क्या इससे जो आपके हेयर वापस आते हैं वो थिक होते हैं? बिल्कुल नहीं, आपके हेयर ना डार्क आएंगे ना थिक आएंगे, कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल थे। ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट आपका हेयर रिमूव हो गया, आएंगे ही नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे नॉर्मल ग्रोथ होती है वैसे आएंगे, नॉर्मल ग्रोथ होगी, ना डार्क होगी ना थिक होगी, कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात तो जब आप ये ट्रीटमेंट कर लेते हो आपके डेड स्किन सेल्स की जो लेयर को आप रिमूव कर देते हो, आपकी स्किन इतनी स्मूथ दिखती है ना, इसके ऊपर आप जो मास्क लगाओ जो क्रीम लगाओ वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है और शाइन क्या मारती है, आपकी स्किन इतनी स्मूथ दिखती है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट मैं आपको मेरे पे खुद पे नहीं करके दिखा रही क्योंकि मैं इसको हेयर रिमूवल की तरह भी आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। तो मेरे फेस पे इतने ज्यादा बाल है नहीं और मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट मिला भी नहीं जिसके फेस पे ज्यादा बाल हो, जो भी मिला है ये है आपके सामने, इसकी मैं हेयर रिमूव करके आपको दिखाना चाहती हूँ। इससे भी कहीं ज्यादा अगर आपके बाल हो गए ना तो गाइस आपके लिए मस्ट है, सिर्फ हेयर रिमूव करने के लिए नहीं, बाल नहीं भी हो गए ना तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि मेन डर्मा प्लेनिंग आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए, हेयर के लिए नहीं, हेयर तो इसका साइड इफेक्ट है। सबसे पहली बात, इसको करने के लिए जो ब्लेड यूज किया जाता है वो है ब्लेड नंबर 14, सर्जिकल ब्लेड नंबर 14, जो आसानी से नहीं मिलता। मैं ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ, मुझे नहीं मिला और आपको भी शायद नहीं मिलेगा, किसी मेडिकल स्टोर पे तो आसानी से आपको नहीं मिलेगा। और इसकी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई है और आता ये ब्लेड है सिर्फ 8-10 रुपए का और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 2-3 रुपए की है। ठीक है, लेकिन अवेलेबल फिलहाल है नहीं, तो इसको मैं फिलहाल जो कर रही हूँ वो ब्लेड नंबर 11 से है, जो आसानी से मिल जाए।